हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ दही और बेसन से बनने वाली स्वादिष्ट सी मिर्ची। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। दही वाली मिर्ची बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 150 ग्राम मिर्ची, जो मोटी मिर्च है, और इसको मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है, लेकिन इसका एंड नहीं कट किया है और इसके डंठल भी एज इट इज़ हैं। इनको बस ऐसे ही मैंने स्लिट कर लिया है। सारी मिर्ची मैंने इसी तरह से स्लिट कर ली है। इसके अलावा मैंने एक बड़ा चम्मच धनिया लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है, 1/4 स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी ली है, और 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा दही भी लिया है, जो मैं इसमें लास्ट में डालूंगी, और मैंने लिए यहाँ पर थोड़ी सी सरसों। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है और जैसे ही वो गर्म होगा तभी मैं उसमें डालूंगी सरसों। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी सरसों, और जैसे ये क्रैकल करेगी तो मैं इसमें डाल दूंगी मिर्ची। इसको मैं हल्की आंच पर ही पकाऊंगी। लगातार चलाते हुए इसे मैं 2-3 मिनट तक पका लूंगी। ये मिर्ची फ्राई हो चुकी है तो मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी बेसन, ताकि बेसन को भी मैं 2 मिनट भून लूं और उसका सारा जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। जैसे ही बेसन की हल्की सी खुशबू आने लगेगी मैं इसमें बाकी मसाले भी डाल दूंगी। बेसन इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ये थोड़ा भुन भी गया है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ बाकी के मसाले, जो है नमक, हल्दी और धनिया। इसे भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इसे 1 मिनट के लिए और भूनूंगी। ये मिर्ची थोड़ी सूखी सूखी हो गई है तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल देती हूँ। बेसन और मसाले सब अच्छी तरह से भुन चुके हैं तो मैं इसमें अब डाल दूंगी दही। दही को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। कुछ सेकंड चलाने के बाद ये मिर्ची बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अभी दही का मॉइस्चर जो है बिल्कुल सूखने वाला है। दही मिर्ची की सब्जी बन चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।